हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, लोन डिफॉल्टर्स से रिलेटेड अगर किसी भी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है तो उस सीरीज में मैं बहुत सारी वीडियोस अपने व्यूवर्स के लिए उनकी डिमांड पर बना चुका हूं। इसी सीरीज के अंदर आज मैं उन लोन डिफॉल्टर्स के बारे में आज एड्रेस करना चाहता हूं जिन्होंने कोई भी पर्सनल लोन लिया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का पर्सनल लोन उन्होंने अपनी जरूरत के लिया और लोन लेने के वक्त उन्होंने एज ए सिक्योरिटी बैंक को कुछ चेक्स भी दे दिए। बैंक इन चेक्स को एज ए सिक्योरिटी इसलिए लेता है कि अगर लोन बोरोवर ने किसी भी समय लोन को डिफॉल्ट किया तो बैंक इन चेक्स को अपने बैंक में डिसऑनर कराने के बाद कोर्ट के अंदर एक रिकवरी का केस फाइल कर सकता है। यहाँ पर चेक देना मजबूरी होती है क्योंकि अगर आप चेक नहीं देंगे तो आपको शायद लोन नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आती है कि हमें लोन लेने के बाद उस लोन को चुकाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, हालात बहुत फाइनेंशियली खराब हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बैंक आपके चेक को डिसऑनर करा के आपके ऊपर केस फाइल करता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे ऊपर अब बैंक ने चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया है, उसका नोटिस भी हमारे पास आ रहा है, अब हमें इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बैंक अकाउंट टू अकाउंट लोन का जो अमाउंट होता है वो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करता है, इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें लोन मिला ही नहीं। लोन ना चुका पाने के भी रीजंस, हम अगर ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुकाने में असक्षम हैं, तो कोर्ट इसको भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इस डिफेंस के ऊपर भी हमें कोई रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है कोर्ट के अंदर। अगर हम ये बैंक को कहते हैं, कोर्ट में कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया था, तो इस ग्राउंड पर भी हमें कोई अच्छा डिफेंस ये हमारा नहीं है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स हमसे ये पूछते हैं कि सर क्या हमारे पास कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि हम चेक बाउंस के केस में हम केस भी कंटेस्ट कर लें और हमें पैसा भी ना देना पड़े। फ्रेंड्स, आइए इस सारी सिचुएशन को धीरे धीरे वन बाय वन करके अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो आपने चेक दिया है उसको अगर बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो वो डिसऑनर्ड चेक के बिहाफ पर आपके ऊपर क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। जब ये केस आपके ऊपर फाइल किया जाएगा तो आप सबसे पहले ये समझिए कि केस फाइल करने के बाद आपको कोई अरेस्ट करने आपके घर पर नहीं आ रहा, ना आपके कोई वारंट निकल रहे हैं, ना पुलिस आपके घर पर आपके आपको उठाकर ले जाने वाली है। कोर्ट का प्रोसीजर ये कहता है कि कभी भी जब बैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत कोई भी केस फाइल करती है तो उस केस को फाइल करने के बाद कोर्ट सबसे पहले बैंक से सवाल पूछती है कि आपने ये केस क्यों फाइल किया है। अगर बैंक कोर्ट को सेटिस्फाई करता है, तमाम फैक्ट्स कोर्ट को सही तौर पर बताता है और जो उसकी लीगल जरूरियात है केस को फाइल करने की अगर वो भी मुतमईन करता है कोर्ट को, तो फिर कोर्ट एक्यूज्ड को जिसने चेक इशू किया था उसे एक नोटिस इशू करती है और उस नोटिस को जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप कोर्ट ये मानकर चलती है कि अब आप कोर्ट के अंदर पेश होंगे। अगर आप पहली ही तारीख पर कोर्ट में जाकर पेश हो जाते हैं तो फिर कोर्ट आपसे कहती है कि आप अपनी जमानत जरूर लीजिए, जमानत आपको एज ए मैटर ऑफ राइट आपको मिलनी ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल करानी है या आपको जमानत के लिए आपकी जमानत रिजेक्ट हो सकती है, ऐसा कानून नहीं है। एज ए मैटर ऑफ राइट आपको जमानत जरूर दी जाएगी। जमानत के बाद फिर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं अपने केस को लड़ने के लिए, उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जो कंप्लेनेंट है उसे अपनी गवाहियां पेश करनी होती हैं, जो अक्यूज्ड है उसे भी अपनी गवाहियां पेश करने का मौका दिया जाता है और इस बीच में बहुत सारा हमारा CRPC प्रोसीजर कोड है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिहाफ पर हम अपने केस को प्रोलोंग करते हैं। जिस डायरेक्शन में मैं अपनी इस आज वीडियो को लेके जा रहा हूं उसमें मैं अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं भी है डिसऑनर चेक को डिसऑनर करने का, या आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है कि आप पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट के अंदर कोई एक तारीख पर आपके केस का फैसला नहीं होना है। सपोज आज आपके पास नोटिस आया है तो ऐसा नहीं है कि जिस तारीख पर आप पहली तारीख पर पेश होंगे उसी तारीख पर आपको जाके जज साहब को पैसे देने, आपको बहुत सारी तारीखें आपको मिलेंगी अपने केस को लड़ने के लिए और कोर्ट आपको मौका देती है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। आमतौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों के अंदर किसी भी चेक बाउंस के केस को निमटने में 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं और ये जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक एडवाइस ये करते हैं कि ये हम कोर्ट के अंदर आपके बिहाफ पर टाइम बाई कर रहे हैं। आज आपके पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल सन 2023 के अंदर आपके पास पैसा नहीं है, तो हम इस केस को आपके बिहाफ पर जो हमारा CRPC के अंदर कानूनी पेचीदगियां हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस केस को हम लंबा खींच रहे हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सके और इतना पैसा
इकट्ठा कर सके ताकि या तो आप बैंक को पूरी पेमेंट कर दे या इस बीच के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बैंक के साथ केस को सेटल करने की भी मिलती है, मीडिएशन एक्सप्लोर करने का भी आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास लोक अदालत भी साल में कई बार लगती है उसमें भी आप अपने केस को रेफर करा सकते हैं और डायरेक्ट भी आप अपने बैंक से नेगोशिएशन करते हैं। और हमारी जनरल प्रैक्टिस ये रही है अभी तक कि हम जिन मैटर्स को ज्यादा लंबा खींचना शुरू कर देते हैं उसमें क्लाइंट और बैंक के बीच में कहीं ना कहीं किसी अमाउंट पर सेटलमेंट हो जाता है और 2 से 3 साल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम मेरे हिसाब से माना जाता है। तो फ्रेंड, जिन लोगों के चेक बाउंस हो भी गए हैं, लोन वो नहीं भी पे कर पा रहे उसके बावजूद भी, इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो मैंने आज इस वीडियो में बताई है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।